गाइज आज मैं जा रही हूँ अपनी फेवरेट जगह माउंट आबू और अभी हम लोग निकल रहे हैं। ये हमारा सामान है, पापा भी जा रहे हैं हम और अभी हम लोग लिफ्ट के बाहर खड़े हैं। आज इस ब्लॉग में मैं आपको अपना पूरा माउंट आबू जब हम वहाँ पहुँचेंगे सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगी, तो एंड तक मेरे साथ मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और कल रात ही पहुँच गए थे वैसे हम लोग यहाँ 2 बजे, लेकिन लाइट्स ऑफ थी ना तो इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और ये है हम लोग अपने रूम में, हम लोग सब रेडी हो चुके हैं, अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं और क्योंकि इस टाइम बज चुके हैं 8:30 और अभी हम लोग जाना है, ब्रेकफास्ट करना है, तो हम लोग मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट पर। मैं दिखाऊँगी आज मैंने क्या क्या ब्रेकफास्ट किया है। बाय। बिल्डिंग दिखा जरा, प्लैटिनम हाउस, यहाँ हम लोग रुके हैं। और ये मिलो इनसे, चुनमुन से आ जाओ। सुबह निकलो और बाहर सामने एकदम पहाड़ और इतना प्यारा मौसम यहाँ। और ये है आनंद सरोवर का कैंपस जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। यहाँ का जो व्यू है बहुत ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ अब हम लोग सब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं और पापा है अपने रूम से आ चुके हैं। और अब हम लोग ये जो बस खड़ी हुई है ना इसमें हम लोग बैठकर अब अपने दूसरे कैंपस जो है शांतिवन वहाँ जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। और ये है शांतिवन के कैंपस का डाइनिंग हॉल जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों ही चीज़ें करते हैं। और ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही कई हज़ारों लोगों का जो है सिटिंग एरिया है। तो चलो चलते हैं क्योंकि अभी भूख बहुत तेज़ लगी है, तो फटाफट से उठाई हमने अपनी प्लेट्स और उसके बाद हम लोगों ने लाइन में लगना शुरू किया। तो आज ब्रेकफास्ट में था पोहा और उसके बाद ये मैंने ये दाल थी, दाल लिया और दाल के साथ मैंने एक थेपला लिया। थेपला इसके साथ, दाल के साथ ना बहुत अच्छा लगता है, तो मज़ा आता है इसके साथ खाने में। और उसके बाद फिर हम लोग अपना जमावड़ा लगा के बैठ गए, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कन्या झीम रहे हैं। ये ग्लास लेकर के ना हमें चाय पीने की बहुत तलब हो रही थी, तो मैंने कहा यार पहले चाय पी लेते हैं गरम गरम, उसके बाद मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा शांतिवन का कैंपस जो कि बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे जो आए थे भूपेंद्र भाई पटेल जी जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री है, तो यहाँ पे बहुत ही टाइट सिक्योरिटी थी क्योंकि यहाँ पे उनका प्रोग्राम होने वाला था। ये है डायमंड हॉल, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद ये शांतिवन में ना हर जगह ये छोटे छोटे पार्क बनाए हुए हैं जिसमें लोग कम्फर्टेबल होकर बैठ सकें, आराम से बातें कर सकें। तो ये शांतिवन कैंपस, ये जो आप देख रहे हैं ये है प्रकाश स्तंभ। और ये है हमारा बाबा रूम जहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कनेक्ट करते हैं खुद को गॉड से, उसके साथ बातें करते हैं। ये पूरा हमारा शांतिवन का कैंपस है। अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं, इसका चश्मा टूट गया उमा का, हाँ इसका ही टूट गया। मेरा लेके भी बताना जरूर। तुम इसका क्यों पहन रही हो यार? नंबर से मैं इतनी बॉन्डिंग है हमारे अंदर, आंखों का नंबर भी है। बॉन्डिंग बॉन्डिंग मत करो दादा, समझ जाइए वो चश्मा टूट गया मेरे लिए। अभी हम लोग इनका चश्मा ले
चश्मा लेने के लिए जा रहे हैं। यहाँ के लोग ना बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारे हैं। अब मेरा हमेशा से यहाँ बहुत मन करता आने का। हाँ वो पूरा वहाँ से हमें पूरा ऐसे चल के आना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ ना CM आ रहे हैं तो उसकी वजह से सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि जो गेट नंबर से इजी हम लोग जा सकते थे बाहर चश्मे वाले की दुकान पे, अभी हमें पूरा घूम के जाना पड़ रहा है। कोई नहीं, अभी बहुत सारे लोगों से मैं मिली, अभी बहुत अच्छा लगा उनसे बहुत टाइम बाद मिलने के बाद, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता यहाँ आने का ज़्यादा। जब भी आती हूँ ना तो सबसे ना मिलकर दिल खुश हो जाता है मेरा ना। मैं आपको जहाँ अभी हूँ ये हमारा ट्रांसपोर्ट का है, जहाँ से सारी गाड़ियाँ जो हैं कैंपस में जाती हैं और स्टेशन से यहाँ आती है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये एकोमोडेशन है, यहाँ से हम लोग अपना कैंपस में रहने के रूम्स वगैरह अलॉट करवाते हैं। और अब हम लोग यहाँ आ चुके हैं आँखों की जांच सुविधा पर, ये है दिव्य दृष्टि। चलो भाई दिव्य दृष्टि पे। इतना आलस आ रहा है यार, आधी आधी धूप आधी आधी हल्की सी ठंड, ऐसा मन कर रहा सो जाओ। अभी यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा यार, ये आईफोन है ना बिल्कुल एक्चुअल ओरिजिनल कलर दिखाता है, इतना गंदा गंदा कलर दिखाता है। और किसी से लड़ने लग जाएगी मेरे से तो बार्गेनिंग नहीं होती सरोजनी के अलावा कहीं भी। डिस्काउंट करो ये मत डाल देना। आराम से जरा करूंगी क्योंकि आज का ना दिन बहुत ही ज़्यादा सबसे मिलना जुलना हो गया और शाम के टाइम भी थोड़ा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग कुछ ज़्यादा ही मौज मस्ती में रह गए थे ना, तो मैं एक्चुअल में रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और तो कैसा लगा आपको मेरा ये डे वन का व्लॉग? आप मेरा बहुत जल्दी ही डे टू का व्लॉग आएगा जिसमें मैं एक्चुअल में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा यहाँ आने का रीज़न क्या था और बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाऊंगी जो अभी रह गई हैं। मैंने अभी सिर्फ मैं आपको एक चीज़ आपको आनंद सरोवर का दिखाया है, इसमें सिर्फ शांतिवन का कैंपस का दिखाया, लेकिन आगे आने वाले व्लॉग में मैं आपको हमारे यहाँ पे पांडव भवन है और बाकी के भी बहुत सारे कैंपस हैं वो भी मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में मैं उसको ला पाऊँ। तो ठीक है, फिर मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे 2 के व्लॉग में। तो ओके, कीप ट्यूनिंग, बाय।